मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स और सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो से हम लोग देखे थे कि समस्थानिक किसे कहते हैं और संभारिक किसे कहते हैं। कैसे हम दो तत्व देखकर बता सकते हैं कि ये समस्थानिक है कि संभारिक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या निकालने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। अगर वे वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि सम न्यूट्रॉनिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो सम मतलब बराबर और न्यूट्रॉन मतलब ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। जैसे 14 सल्फर 30 और 15 फास्फोरस 31। ठीक, और ये दो तत्व दिए हैं। ये सल्फर का संकेत है जिसको हम S से डिनोट करते हैं, और यह फास्फोरस का संकेत है जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक, ये फास्फोरस है। फास्फोरस सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? 14 है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो यहाँ पे लिखा होता है उसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं, और ये परमाणु क्रमांक सल्फर का कितना है दोस्तों? 14 है। और ये द्रव्यमान संख्या इसको बोलते हैं। कल वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। जो यहाँ पे मतलब ऊपर जो घात के रूप में लिखा रहता है, इसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जो सल्फर का 30 है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जो द्रव्यमान संख्या होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर द्रव्यमान संख्या बनती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। ठीक, यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मिलाते हैं तो द्रव्यमान संख्या बनती है। तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान संख्या हम जानते हैं कितनी है? 30। प्रोटॉन की संख्या जानते हैं कितनी है दोस्तों? 14। और न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। एन की वैल्यू अगर निकालें तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 - 14 = 16। यानी कि सल्फर में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? 16। यानी कि सल्फर में न्यूट्रॉन कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक, वैसे हम फास्फोरस में देखते हैं तो फास्फोरस का द्रव्यमान संख्या कितना है दोस्तों? 31। और परमाणु संख्या है 15। अगर ये दोनों घटाते हैं तो हमको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 16। ठीक, तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या 16 है सल्फर में भी, और फास्फोरस में भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? 16। यानी कि ये क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, क्योंकि सल्फर में न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है और फास्फोरस में भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 16। आप न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से निकालना जान भी गए कि द्रव्यमान संख्या में से बस आपको मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, मतलब 30 में से अगर 14 को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। वैसे ही हम 31 में से 15 को घटाएं तो न्यूट्रॉन की संख्या 16 आएगी। तो हम यहाँ से देख लिए कि न्यूट्रॉन मतलब बराबर है, सम न्यूट्रॉनिक तत्व हैं सल्फर और फास्फोरस। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एक होता है वैनेडियम मतलब 23-50, और एक होता है क्रोमियम 50-51 होता है, एक होता है क्रोमियम 24-52 होता है। ठीक,
अब इसको हम देखते हैं दोस्तों, एक सम न्यूट्रॉनिक होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब 51-23 करेंगे न्यूट्रॉन निकालने के लिए, द्रव्यमान संख्या माइनस, प्रोटानों की संख्या, प्रोटानों की संख्या माइनस कीजिए तो 51 में से 23 को और घटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 28 आएगा। ठीक, और यहाँ पे 52 में से 24 को घटाएंगे, 52 में से किसको घटाएंगे, 24 को, तो यहाँ पे भी 28 आएगा। तो दोनों तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों तत्व में क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो इसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, यानी कि वैनेडियम, ये वैनेडियम का संकेत है वैनेडियम। ठीक, और ये है दोस्तों क्रोमियम का संकेत, क्रोमियम का संकेत। ठीक, अगर कोई भी तत्व दे दोस्तों, अगर दो तत्व दिया हो और पूछा जाए कि ये सम न्यूट्रॉनिक हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटानों की संख्या, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाएंगे तो 28 है, और 52 में से 24 को घटाएंगे तो 28 है, मतलब दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है दोस्तों, समान है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक होंगे वैनेडियम और क्रोमियम। और ऐसे ही सल्फर और फास्फोरस भी क्या है, ये सम न्यूट्रॉनिक हैं। अब देखते हैं, अब देखिए दोस्तों, है सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो मतलब ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। ठीक, मतलब ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो दोस्तों, समान हो। तो देखिए, अगर सोडियम को हम देखें तो सोडियम किस पे आता है दोस्तों, ये आता है 11 पर। ठीक, मैग्नीशियम किस पे आता है दोस्तों, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 12 होता है। एल्यूमिनियम इसके बाद आता है, एल्यूमिनियम होता है कितना दोस्तों, 13। ठीक, क्या होते हैं, 13 होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सोडियम को अस्थायी करने के लिए देखें तो यह अनियान का स्थान लेता है। ठीक, और यह क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। मैग्नीशियम ऐसे ही क्या करता है दोस्तों, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो यह नियान का स्थान पा जाता है, और एल्यूमिनियम तीन स्थान त्याग करता है तो यह नियान का स्थान पा जाता है। नियान का स्थान क्यों पाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नियान एक अक्रिय गैस होती है, तो यह क्या होती है दोस्तों, यह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। क्या होंगे दोस्तों, ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। क्यों, अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो इससे मतलब नहीं है। हम अभी बताए हैं कि जब सोडियम अस्थायी अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करता है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो यह नियान का स्थान प्राप्त करता है। और मैग्नीशियम भी एक इलेक्ट्रॉन जब निकालता है तो यह नियान का स्थान प्राप्त करता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालता है, और एल्यूमिनियम तीन निकालता है, तब ये न्यूट्रॉन मतलब नियान होता है, नियान की स्थान प्राप्त करता है। यानी कि नियान का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, और यहाँ पे भी नियान का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, और यहाँ पे भी नियान का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है दोस्तों, 10। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 10, तीनों में हो गए, 10-10 इलेक्ट्रॉन तीनों में हो गए, इसलिए क्या कहलाएंगे दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए अगर सल्फर और हम फास्फोरस ले, सल्फर और फास्फोरस, सल्फर किस पर आता है दोस्तों, 14 पे, ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा, हम ले लेते हैं कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम लेते हैं और कैल्शियम लेते हैं, और इसके ऊपर आता है दोस्तों 18वें नंबर पे आर्गन। ठीक, पोटेशियम होता है 19 पर, कैल्शियम होता है 20 पर। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक आर्गन का कितना होता है, 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, और कैल्शियम का कितना होता है दोस्तों, 20 होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक।
और जो आर्गन होता है वो क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस होता है। और इससे ऊपर एक पाई जाती है क्लोरीन गैस, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक, तब देखिए दोस्तों 18 मतलब पोटेशियम भी सोचेगा कि हमारा परमाणु क्रमांक कितना हो जाए, 18 हो जाए। कैल्शियम भी सोचेगा कि हमारा परमाणु क्रमांक कितना हो जाए, 18 हो जाए। और क्लोरीन भी सोचेगा कि हमारा परमाणु क्रमांक 18 हो जाए, क्योंकि अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, अस्थाई होते हैं। ठीक, अस्थाई होते हैं, एक किसी से लेन देन नहीं करते हैं। तो इसलिए तीनों प्रयास करेंगे कि इनका परमाणु क्रमांक कितना बन जाए, 18 बन जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एक की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या करेगा दोस्तों, ए लेगा। तो जब लेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और इसका परमाणु क्रमांक आर्गन के बराबर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही पोटेशियम क्या करेगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसका भी जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 18। और कैल्शियम भी ऐसे करेगा दोस्तों, कैल्शियम क्या करेगा, अब देखिए 18 से कितना अधिक, 2 अधिक, तो 2 कैल्शियम निकालेगा इलेक्ट्रॉन तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इसका भी परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 18। ठीक, जब इलेक्ट्रॉनों की त्याग किए तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन 18 हुए, कैल्शियम में भी और क्लोरीन में भी 18 हुए, और पोटेशियम में भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब 18 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में भी हो गए, क्लोरीन में भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और पोटेशियम में भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व कहलाएंगे। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि क्लोरीन कैल्शियम और पोटेशियम, चाहे क्लोरीन और कैल्शियम सम इलेक्ट्रॉनिक कब होंगे, तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तभी क्या कहलाएंगे दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, मतलब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों, 20 है, मतलब अभी हम देखें कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है, और आर्गन का 18 होता है। ठीक, और पोटेशियम का 19 होता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये आर्गन जो होता है क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर जानते हैं अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस क्या होता है, जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं और ये बल्ब में भरी जाती है। तो अब ये कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम इसी के आसपास है, केवल 2 स्टेप इससे अधिक है, तो कैल्शियम ये सोचता है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज बना देता है, और पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है तो एक पोटेशियम पॉजिटिव बना देता है। अब देखिए दोस्तों जब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक 18 हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए तीनों का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 18 हो गया, और हम कल बताए थे कि जितनी प्रोटॉन किसी भी तत्व में पाई जाती है उतना ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए इस तत्व क्या कहलाएंगे दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक, कल एक क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों संभारिक से, तो उसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या होता है, जब रेडियोएक्टिव पदार्थ से रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा कण निकलता है तो संभारिक का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, पूछ देता है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ से कौन से कण निकलने पे संभारिक का निर्माण होता है, तो बीटा कण जब निकलता है तो संभारिक का निर्माण होता है। अब बीटा कण निकलने से क्या होता है दोस्तों, तो जब किसी तत्व से एक बीटा कण निकलता है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। जैसे एक थोरियम तत्व है जो होता है 90 234। ठीक, जब इससे बीटा कण निकलेगा क्या होगा, बीटा कण एक निकलेगा
एक हो जाएगा 91 थोरियम 224। ठीक, तो देखिए इसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हुए लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों, समान है। जब द्रव्यमान संख्या समान होती है तो वे तत्व क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से बीटा पर का उत्सर्जन होता है तो समभारी का निर्माण होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।